क्या कर रहे हो उधर? क्या कर रहे है? क्या है घास में है? बता तुझे मैं उठवाऊं टांग तेरी? देखो देखो, इसे इतना पता है डांट का। घूमी जाओगे, वॉकी वॉकी जाओगे। सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो 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 सुनो, गुड मॉर्निंग करो पहले सबको, इंस्टा फैम को गुड मॉर्निंग करो। क्या दिख गया, क्या दिखा? अच्छा अच्छा, नहाने के बाद में इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो ये रिकॉर्ड करने से पहले एक सीन हो गया कि हमारा जो गोल्डी है वो बेचारा अकेला था, अपने घर के बाहर बैठा था, और ये सारे गए और इन्होंने जाके जो हमला बोला है उस पर, तो पहले इससे निपटाया और फिर मैं आगे आ गई। फिर मैंने छोड़ छाड़ के ना मैं ही आगे आ गई। मैंने कहा तुम लड़ते रहो। क्यों लड़ते हो भाई उससे? हैं क्या तुम्हारी, क्या जमीन बट रही है, क्या हिस्से बांटे बटे हैं? वो देखो, वो देखो, वो रहा गोल्डी भैया। उसको फिर अकेले उसके साथ में वॉक करा रहे, क्योंकि वो भैया के साथ में सेफ फील करता है। कितना ऐसे ऐसे मिलता ना, जैसे कब से आप लोगों को जानता है। ये लोग असम से आए हैं नवाब से मिलने। मम्मी तो पसंद है ना? बहुत बहुत। अरे आओ चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, अंदर मिलते हैं। आपने निक्कर भी नहीं निकाला नाबू, आके सो गया था। नाबू देख रहे करे क्या है मम्मा इसमें, ये लो ये लो ये लो, क्या है आपके लिए, ये लो ये लो। ओए ओए आपके लिए भी बॉल, गधा। अच्छा नाबू के लिए भी है बॉल, है बैठने तो दे ढंग से। उनका बैग ही खुलवा लिया सबसे पहले, करे क्या लाया मेरे लिए, घुस जा उसमें, घुस जा घुस जा, देख ना। करे इसको मत करो, तुम मेरे से बात करो। अच्छा ये दीदी, नानी 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 ताश इन द हाउस, सबसे मिलना उसको, सबसे मिलना। अब वो यही नहीं समझ पा रहा कि किस किस से मिलूं, चोट लग जाएगी नाबू। क्या नानी आ गई, नानी आ गई, नानी आ गई, नानी आ गई। ओरे 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 ओरे, ताशी भैया पहचान लिया, ताशी भैया को, हाँ ताशी भैया को पहचान लिया नाबू ने। ओरे किच्ची किच्ची कर दी ताशी को। और अब लड़ाई किसकी होगी, अभी थोड़ी देर में इनकी लड़ाई भी बजने वाली है। लड़ाई किसकी होगी अभी, सांस देखो कैसे, लड़ाई किसकी होगी अभी। वो बात ही नहीं करता। आ जाओ मिलो, करेगा करेगा करेगा, शिखन करो आप, करो ना, करो ना शिखन। हाँ देखा कुछ तो करी, कुछ तो याद है भाई, हमें तो भूल गया भाई। ऐसे ये दोनों बात करते हैं, बात करते लड़ते ही। तो अब हम लोग आ गए नवाब की दुनिया में, इनको भी देखनी थी। मेरे को लगा कि पता नहीं फिर आप लोग कब आओगे, है ना। हाँ तो ये देखो, ताशु आ चुका है, ताशु को घर पे छोड़ के मैं इन लोगों के साथ में, क्योंकि इन लोगों को भी देखनी थी यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं फिर बोलेंगे हम लोग कब आएंगे कब नहीं। और सुबह से मेरा काम में हाल इतना बुरा है ना कि मैं बता नहीं सकती। मम्मी और भी आ गए हैं, और अब मतलब ये पेंटिंग के लिए आर्टिस्ट आए थे, वो बना के गए हैं। बाकी जितना भी जो भी डिज़ाइन है, कैसे क्या जो भी हो ना, वो रोहन कर रहे हैं। अब देख लो ये कियोस्क बन रही है, तो खुद ही उसको समझा रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है कैसे। ताकि जो अंदर से बंदा एंटर कर रहा है उसको दिखे। अच्छा ये पेंटिंग्स लग गए हैं इसमें। हल्की सी करोगी, उसका सेंटर मत कर। अब लग गया एंटर का। चल तेरे भी लगी रहती है। खुश रहे। अच्छा बेड उधर रख दिए। हाँ सभी ले सकते हैं। अच्छा लेना आपको। हाँ मैं मेरी डॉगी के लिए। वो लोग भी निकल गए ओला लेके, और मैं भी जा रही हूँ घर वापस, पापा के लिए मम्मी के लिए खाना बनाना है।
क्योंकि वो लोग सुबह के निकले हुए हैं घर से, तो भूख तो लगी ही होगी। चाय बना के पिला के आई, आपको खाना खिलाया फटाफट। अभी मैं निकली हूँ, एक और ज़रूरी काम आ गया, मतलब इतना ज़रूरी कि ऑन द स्पॉट खड़े पैर जाना पड़ा मुझे, तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ। से भी काम फिनिश हो गया, वैसे तो 10-15 मिनट का ही काम था, लेकिन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि मैं बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंची। हम लोग निकले हैं खाना पीना खा के, लंच करके नाबू की दुनिया में, ताशु को, वानियों को, मम्मी पापा को घुमाने के लिए। रोहन अब जाके मिले मम्मी पापा से। यहाँ पे ना पापा की हम लोग ना पासपोर्ट साइज फोटो खींचे, पापा देखो एकदम स्टे कर रखा हो किसी ने, उल्टा नहीं। अभी तो मैं और बच्चे आ गए अब घर वापिस, पापा चले गए वहीं से, पापा को टाइम नहीं था। तो ये देखो, हाँ ये देखो भोलू सो रहा है इधर, अब दिन में भी बेडिंग मिल गई ने। इधर हमारे गोलू भैया सो रहे हैं। हाँ जी देख लिया। ओए देख लिया, ये तो डरता है, ये घुस गया फट्टू, ये डरता है। गोलू ने, गोलू उठेगा जब गोलू देखेगा ना। गोलू कौन आया बेटा मोहल्ले में, कह रहा नींद आ रही। अरे शिट गोलू, आज तूने भी बेइज्जती करा दी। जाओ भाई जाओ, बस हो गया, हम पहुंच गए, ठीक ठाक पहुंच गए हम घर, अब चले जाओ ठीक है। बोलू आया, बोलू आया, पूछ अंदर कर रखी है, उसके पास आके, उसके पास आके कह रहे कि भाई लड़। चलो वानिया जा रही है आज मेरे साथ, मैं फिर से निकल गई अपने किसी और काम के लिए, और वानिया बोल रही है, मैंने वानिया को बोला वानिया जा रही है मेरे साथ, मेरी पहली बार। ठीक है, कल ही जिसमें हो खिले हुए काम हो, क्योंकि फिर खिले हुए पौधे ना सारी एनर्जी ले जाते हैं पौधे की, सॉरी खिले हुए कलियां। तो यहाँ हमारे सारे फूल आ गए, उतरवा लो भाई, ले आई हूँ मैं। अरे वाह, पौधे उतारने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं घर, घर जाके सारी टीम के लिए चाय बनानी है, थोड़ा लेट हो गए शाम के टाइम, और अब जाके चाय बनाते हैं। आज वानिया मेरी हेल्प करेगी चाय में, आप पाती बनानी, वानिया हेल्प करेगी। नाबू मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अरे नानी पूजी कर लिए, पूजा कर लिए, पूजा गया अंदर। विचकू, अरे बिस्तर से हिल भी लिया करो मैडम। तो हम लोग फिर से आ गए थे यहाँ पे, लेकिन मैं दिखाने लाई थी कि लाइटिंग में कैसा इफेक्ट है, रोहन ने बोला था कि लाइटिंग में दिखाना मम्मी को, पोपट हो गया, यहाँ पे अंधेरा है, अंधेरा। अभी लाइटिंग चलेगी ना तो अच्छा लगेगा, उधर कुछ स्विमिंग पूल में कुछ हो रहा है। क्या हुआ रोहन, लग रहा है? अच्छा फिर ठीक है, चल तब तक ये सेकते हैं। तो मीटर लग गया भैया बाहर, मीटर लगा है। ओले वानिया, ये देखो लाइटिंग भी यहाँ पे चेंज हुई, क्योंकि ये जो लाइटिंग थी ना ऊपर वाली, ये बहुत कम हो रही थी, तो रात में रियलाइज हुआ। और ये मालिक साहब देखो कितने क्यूट लगे, तो देखे ना आपकी ये। और यहाँ पे ये, ये देखो वाओ, हाँ आएंगे वो पूजा में। और यहाँ पे ये थोड़ा सा अभी क्लीन नहीं हुआ, पर रोज क्लीन कर रहे हैं सब भैया, रोज गंदा हो जाता है। वैसे इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, हाँ ये देखो ये चीज, ये देखो यहाँ पे सबके बेड और सबकी पेंटिंग्स। अब सुंदर लग रहा है ना भैया बेड, लग के ये कितना एकदम निखार आया है। इसको हम साइड करेंगे, ये देखो ये बेड, ये पेंटिंग्स, ये सब सुंदर लग रहे हैं बेड वगैरह लग के। अच्छा यहाँ पे भी पेंटिंग्स का काम डन है, ये देखो सबकी सुंदर यहाँ पे लगी है। हाँ देखो यहाँ पे ना वो आप बोतल से बुबू पीते बेटा, है आप छोटू भाई बन गए फिर से, है ना खाने में कैसे खा रहे टुकड़ा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं फीडिंग के लिए, और आज फीडिंग करवाने जा रहा है थारा भाई ताशु। आप जो लोग पहले से जानते हो ना, आपको बोल रही हूँ ताशु को,
तो वो लोग पहचान जाएंगे और खुश हो जाएंगे। और वो बहुत सारे लोग तो वेट कर रहे थे और मुझसे पूछते थे कि मैम ताशु कब आएगा। तो फाइनली ताशु आ गया अपनी सर्दियों की छुट्टी। कैसे घुमाते ये मेरे को, लड़का जब से आया तब से कैमरा घुमाना सिखा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा व्लॉगर है। कुछ समझ नहीं आया ताशु क्या बोल गया तू। चला जाएगा अंदर, चला जाता है ये ऐसे सरियों के बीच से चला जाएगा। फेक ना फेक, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, शाबाश गुड बॉय। हाँ। हरा भाई ताशु इतना खिला देगा, इतना खिला देगा। किसी ने सोची ना होगी जैकेट पहन रखी, कुछ नहीं होता। एक्चुअली आज ठंड सच में बहुत ज्यादा। ओए ओए तुम रह गए थे। फीडिंग खत्म करके फिर मैं काली की डाइट लेके आई हूँ और बच्चों को भी देख। ओले 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 मेको मोको मेको इशारे हैं। हाँ, गुड। बढ़िया। फीडिंग करके आके अब मैं आई हूँ घर और अब खाऊंगी खाना क्योंकि ऑलरेडी फीडिंग के लिए काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो मेरे को लगा कि खाना खा के जाऊँगी तो और टाइम लग जाएगा। तो डिनर करने के बाद में अब है नवाब साहब की वॉकी वॉकी टाइम, अपनी पलटन के साथ में आ गया और आज का दिन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। रोहन अभी तक आई नहीं है, रोहन को लगेगा अभी एक डेढ़ घंटा और, उसके बाद वो आएंगे फिर खाना खाएंगे फिर सोएंगे। और कल सुबह हम लोगों को जल्दी उठना है क्योंकि घर की भी पूरी सफाई करनी है और वहाँ पर भी एक होता ना कि प्रॉपर सफाई के साथ में। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। शुभ रात्रि।